एपिसोड की शुरुआत में हमें 12 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है, जिसमें एक आदमी को इतनी प्यास लगती है कि वो कमोड में से पानी पीने लगता है और उसी में उसकी डेथ हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि लीरेंग को तंत्र वाली डॉल मिलती है और उस पर उसी आदमी का फोटो लगा था जिसकी कमोड में मौत हो गई थी। उसके बाद जिया उस मरे हुए आदमी की बॉडी की इंस्पेक्शन करती है, जहां वहीं का रहने वाला एक शख्स बताता है कि ये आदमी भी उस दिन मिस्टर सीओ के साथ गैलेक्सी बोट पर था और वो लोग समुद्र में करीबन 28 दिन फंसे रहे, जिसमें वो 4 लोग थे। अब लियोन भी वहां आता है और उस बॉडी को स्मेल करता है, जहां जिया उसे कहती है कि अभी तो बॉडी ने डिकम्पोज होना स्टार्ट भी नहीं किया है। फिर लियोन को उसके हाथ से एक बाल मिलते हैं, जिसकी स्मेल से वो पता लगाता है कि उसमें से समुद्र की और थोड़ी सीओ के घर की ब्लैंकेट की स्मेल आ रही थी। दूसरी तरफ हम सीओ की बेटी युंगी को देखते हैं, जो समुद्र के किनारे बैठकर उन्हीं 3 लोगों की फोटो पर तंत्र कर रही होती है, जो सीओ के साथ बोट में थे। फिर लियोन और जिया को न्यूज से पता चलता है कि सीओ के साथ उस दिन 3 लोग थे, जिसमें से सब फिर से लौट आए, लेकिन सीओ का सिर्फ स्कल ही आ पाया। तो इसके पीछे क्या वजह थी? वही हम उस बोट के सेकेंड सर्वाइवर को देखते हैं, जो हैमर से जिया को मारने वाला था। वो इतना ज्यादा डरा हुआ था कि उसे सीओ की आत्मा दिख रही थी। और वहीं पास में हमें एक पेंटिंग दिखाई जाती है। उसके बाद हमें थर्ड सर्वाइवर दिखाया जाता है, जो इतना भूखा था कि फ्रिज में से मांस निकाल कर खा रहा था। और वहाँ भी हमें एक पेंटिंग दिखाई जाती है। तभी जिया और लियोन वहाँ आते हैं, जहाँ वो आदमी लियोन पर चाकू से हमला करने लगता है, लेकिन लियोन उसका हाथ मोड़ देता है और कहता है कि अगर उसने सच नहीं बताया तो वो एक एक करके उसकी सारी उंगलियां तोड़ देगा। फिर वो आदमी लियोन को सच बताता है कि जिस दिन वो चारों बोट पर थे, तभी अचानक से तूफान आ गया और सियोन लहरों के साथ बह गया और बाकी वो तीनों समुद्र में खो गए। लियोन फिर से उसकी उंगली तोड़ने वाला होता है और सच कहने के लिए कहता है। इतने में जिया उसके पास आती है और कहती है कि उन्होंने 28 दिन समुद्र में बिना खाए पिए कैसे बिताए होंगे, ये पॉसिबल ही नहीं है कि कोई इंसान बिना खाए इतने दिन समुद्र में रह सकता है। तभी वो आदमी वो दिन इमेजिन करने लगता है जिसमें वो चारों बोट में सर्वाइवल के लिए तड़प रहे थे। वहीं सियोन के पैर पर चोट लगी थी और वो अपनी बेटी की फोटो देखकर उसे याद कर रहे थे। वहीं उसके साथ ही अपनी भूख मिटाने के लिए सियोन को मार देते हैं। अब प्रेजेंट में वो आदमी पागल होकर जिया पर भी हमला करने लगता है, लेकिन इतने में उसके गले में कुछ फंस जाता है और उसकी मौत हो जाती है और उसके मुंह से भी जिया को वही बाल मिलता है। इधर योंगी बैठकर रो रही होती है, तभी लीरेंग उसके पास आता है और कहता है कि उसने उसकी विश पूरी कर दी, अब एक और बचा है, लेकिन इसके बदले में वो उसे क्या देगी। वही इमिग्रेशन ऑफिस वाली लेडी, जिसका नाम तालुइपा होता है, वो देखती है कि जिनका नाम डेड लिस्ट में नहीं था उनकी भी मौत होते जा रही है। उसके बाद जिया उस लास्ट सर्वाइवर के घर जाती है और वहाँ भी उसे वही पेंटिंग दिखती है और फिर वो उसके बारे में फोन पर सर्च करने लगती है। तभी लियोन खाते हुए वहाँ आता है। उसे देखकर जिया कहती है कि यहाँ 2 लोगों की मौत हो गई है और वो चिल कर रहा है, जहाँ लियोन उसे बताता है कि ये उसके साथ पहली बार नहीं हुआ है। वो जिया से कहता है कि 50 साल में उसने जेसन में 3.5 मिलियन लोगों को मरते हुए देखा है, जिस पर जिया कहती है कि हाँ, और जरूर उसमें से किसी एक के लिए लियोन भी रोया होगा। जहाँ लियोन को एयुम की याद आने लगती है। उसके बाद जिया को उस पेंटिंग में डिफरेंस पता लगता है कि उसमें ड्रैगन के पैर नहीं है और उसके मुताबिक जिस ड्रैगन का पैर नहीं होता उसे इमोगी कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ लीरेंग जंगल में एक बंद कुएं के पास आता है और वहाँ एक लेडी आती है। वो दोनों उस कुएं में बंद किसी जानवर की स्पिरिट को जिंदा करने की बात करने लगते हैं, जिसके लिए उन्हें इंसान की बलि देनी होगी। लेडी कहती है कि अगर वो जानवर जिंदा हो गया तो लियोन भी नहीं बचेगा, और फिर उसे पूछता है कि वो अपने भाई से इतनी नफरत क्यों करता है। जहां लीरेंग उसे बताता है कि लियोन उससे इतना प्यार करता था तो भी एक दिन उसने लीरेंग के पेट को काट दिया। इधर लियोन जिया को उस आयरन छोड़कर जाने के लिए कहता है, क्योंकि अब उसकी जान भी खतरे में थी, लेकिन जिया उसे इनकार कर देती है। उसके बाद वो योंगी से मिलने जाती है, जहां योंगी के हाथ में बुक देखकर पता लगा लेती है कि वो योंगी नहीं है। वो अपना रूप बदलती है और हम देखते हैं कि वो लीरेंग था। उस बुक को देखकर जिया उसे कहती है कि गैलेक्सी के सर्वाइवर को उसी ने मारा है, क्योंकि वो बुक ट्रू इवेंट पर है। जिस पर लीरेंग कहता है कि उन्हें मारकर उसे क्या मिलेगा। जिया कहती है कि वो ये सब इसीलिए कर रहा है ताकि वो जिया को डिस्ट्रैक्ट कर सके और अपने असली मकसद में कामयाब हो जाए। लीरेंग हंसता है और कहता है कि जिया काफी स्मार्ट है
और उसके बैग से उसके पेरेंट्स की फ़ोटो निकाल देता है और कहता है कि वो उन्हें ढूंढ सकता है। लेकिन जिया कहती है कि उसे कोई मदद नहीं चाहिए। वहीं लियोन एक शॉप ऑनर के पास जाता है और वहाँ भी उसे वही पेंटिंग दिखती है। लियोन फोर्सफुली उस आदमी को पेंटिंग के बारे में पूछता है तो वो आदमी बताता है कि एक लेडी आइलैंड के लोगों को गुड लक के लिए ये पेंटिंग लेकर आई थी। उसके बाद लियोन उस आदमी की मेमोरीज हटा देता है। जाते जाते वो आदमी लियोन से कहता है कि एक प्रिटी बॉय योंगी के घर आया है। लियोन समझ जाता है कि वो लीरेंग है। वहीं जाते जाते लीरेंग जिया को लियोन पर इतना ट्रस्ट करने के लिए अलर्ट करता है। उसके बाद लियोन दौड़ता हुआ आता है जहाँ जिया कहती है कि वो जा चुका है, लेकिन हाँ वो लीरेंग को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने वाला है, इसीलिए उसे ये आइलैंड छोड़कर चले जाना चाहिए। जिस पर लियोन कहता है कि वो तो इसी का इंतजार कर रहा है। उसके बाद लियोन और जिया बैठकर खाना खा रहे थे। बातों बातों में लियोन जिया से पूछता है कि वो अपने पेरेंट्स को क्यों ढूंढ रही है। जिस पर जिया कहती है क्योंकि वो उन्हें मिस कर रही है। लियोन कहता है कि वो भी सेम किसी को मिस कर रहा है और वो उसका इंतजार कर रहा है। वो जिया को बताता है कि उसे भी प्यार हुआ था लेकिन उसकी डेथ हो गई, पर जाते जाते उसने प्रॉमिस किया था कि वो दूसरा जन्म लेगी। वहीं दूसरी तरफ लियोन के फ्रेंड शिंजू को रेस्टोरेंट में लीरेंग की दोस्त यूरी दिखती है। उसे देखकर शिंजू को लग रहा था कि वो एब्रॉड से आई है। उसके बाद यूरी शिंजू को गन दिखाकर उसे किस करके उसका लॉकेट ले लेती है और ये बात वो लियोन को फोन पर बताता है क्योंकि उसी लॉकेट की मदद से वो जानवरों से बातें किया करता था। शिंजू लियोन से लॉकेट ढूंढने में मदद मांगता है लेकिन लियोन उसे मना कर देता है। नेक्स्ट सीन में हम वही जंगल वाली लेडी को देखते हैं जो समुद्र के किनारे बैठकर सफेद झंडे लगाकर तंत्र मंत्र करने की तैयारी कर रही होती है और जंगल में लियोन को एक टूटी हुई पेड़ की टहनी दिखती है जिसे वो जोर कर उस पर रुमाल बांध देता है। वहीं जिया का कलीग जवान उसे फोन पर बताता है कि ऐसे सेम केसेस 4 बार हुए हैं जिसमें स्कल पाए गए थे और पहला केस 1954 में हुआ था, जहां जिया को याद आता है कि उस दिन उस स्पिरिट ने उसे यही वक्त बताया था जब वहां फॉरेस्ट में कुछ बुरा हुआ था और चारों बार वो इंसिडेंट लूनर कैलेंडर के हिसाब से सेम डेट पर हुए थे और आज भी वही तारीख है। जिस पर जायवान जिया को फौरन उस आइलैंड को छोड़ने के लिए कहता है। तभी गैलेक्सी का लास्ट सर्वाइवर वहां भागता हुआ आता है और अब हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जिसमें जिया लियोन का गला दबा देती है। लियोन पूछता है कि वो कौन है, जिस पर जिया कहती है कि वही जिसका वो इंतजार कर रहा था, लेकिन वो जानना चाहती है कि लियोन ने उसे क्यों मारा। वही हमें फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है कि लियोन ने ही एयुम को मारने की कोशिश की थी, पर तभी जिया को लियोन की लगाई हुई दवाई जलने लगती है और वो होश में आ जाती है और उसके स्कार्स भी गायब हो जाते हैं। लियोन फिर से उसे पूछता है कि वो कौन है, जिस पर जिया कहती है कि वो जिया है। लियोन कहता है कि उसे याद भी है उसने कुछ देर पहले क्या कहा था। फिर अचानक से लियोन एक पत्थर उठाकर पीछे फेंकता है क्योंकि लीरेंग जिया को नुकसान पहुंचाने वहां आ गया था। वो जिया पर पत्थरों से हमला कर देता है लेकिन लियोन जिया को बचा लेता है और उसे फौरन वहां से भागने के लिए कहता है, जिसके बाद लीरेंग और लियोन में फाइट होती है। भागते हुए जिया को वहां एक घर दिखता है जो कि उसी लेडी का था और वहां भी जिया उसे अपने पेरेंट्स की फोटो दिखाकर पूछताछ करने लगती है, जिस पर वो लेडी उसके पेरेंट्स के बारे में झूठी बातें बोलती है और जिया को ये बात पता चल जाती है कि वो लेडी झूठ बोल रही है, इसीलिए जिया उसका दिया हुआ चाय भी नहीं पीती, बस उसे पीने का नाटक करती है। लेकिन उस लेडी ने तो चाय में कुछ मिलाया ही नहीं था और वो जिया को अगरबत्ती की खुशबू से बेहोश कर देती है। वहीं दूसरी तरफ लीरेंग का लड़ते हुए मन भर जाता है और वो लियोन को बताता है कि उसने लियोन को इधर बिजी रखा ताकि जिया को पकड़कर उसकी बलि दी जाए। लीरेंग उसे कहता है कि अब उसके पास काफी कम वक्त है, इसीलिए अगर वो जिया को बचा सकता है तो बचाकर बताए। लेकिन लियोन जिया की स्केंट भी स्मेल नहीं कर पा रहा था, जिसके बाद लियोन जंगल में जिया के पास जाने के लिए नेचर को ऑर्डर देता है, लेकिन वहां भी उसकी शक्ति काम नहीं कर रही होती। तभी वो पेड़ जिसकी टहनी को लियोन ने ठीक किया था वो नेचर को डायरेक्शन देता है और बहुत सारे जुगनू को लियोन को रास्ता दिखाने के लिए भेज देता है। वहीं दूसरी तरफ वो लेडी कुएं के चारों ओर एक जादुई आग का घेरा बना देती है और जिया को कुएं के पास ले जाकर उसे ढकेलने लगती है। जिया बचने की बहुत कोशिश करती है लेकिन वो नाकामयाब होती है। इतने में लियोन वहां आ जाता है लेकिन वो उस घेरे के अंदर नहीं जा पा रहा था। अब लियोन को गुस्सा आ जाता है और उसका 9 टेल बाहर आ जाता है। वो अपनी शक्ति से वहां बारिश कर देता है जिससे वो आग का घेरा धुल जाता है। लियोन इतने गुस्से में था कि उस लेडी पर बिजली गिराकर उसे मार देता है और फिर जिया को कुएं में गिरने से बचा लेता है। वहीं तालुइपा को महसूस होता है कि लियोन ने किसी इंसान की जान बचाई है। उसके बाद लियोन जिया की हाथ की चोट पर रुमाल बांधकर उसे गोद में उठाकर ले जाता है
घर आने के बाद लियोन शिंजो को फोन पर बताता है कि जिया को एयुम के बारे में भी पता है। जहाँ शिंजो उसे कहता है कि उसकी लव स्टोरी इतनी फेमस है कि सब उसे जानते हैं, पर लियोन को लग रहा था कि शायद यही एयुम हो, इसीलिए वो उस पर नजर रखना चाहता था। लियोन अंदर आता है जहाँ जिया उसे पूछती है कि वो हर बार उसकी जान क्यों बचाता है, क्या उसमें कुछ ऐसा है जिसे वो ढूंढ रहा है। और तभी लियोन को एयुम की याद आने लगती है। वहीं जिया उसे थैंक्स बोलती है और कहती है कि एक दिन वो भी उसे प्रोटेक्ट करेगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि आइलैंड के सभी लोग उस कुएं के पास आते हैं और कुछ देर बाद आइलैंड पर एक बच्चे के रोने की आवाज आती है। लिरेंग उस बच्चे को एक आदमी को दे देता है और ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि वही इमोगी था। अब अगले दिन लियोंग और जिया वहां से जाने वाले थे। वहीं लियोन को युंगी मिलती है जो कि एक पैर से चल नहीं पा रही थी क्योंकि उसने अपने डैड के कातिलों से बदला लेने के लिए लिरेंग को अपना पैर सेक्रीफाइस कर दिया था। लियोन उसे ये सब करने से मना कर रहा होता है। तभी जिया वहां दौड़ते हुए आती है और लियोन को बताती है कि आइलैंड से सभी लोग गायब हो गए हैं। वो दोनों सबको ढूंढने के लिए निकल जाते हैं लेकिन वहां पर कोई नहीं था। देखते हैं कि आइलैंड पर युंगी, जिया और लियोन के अलावा कोई नहीं था। लियोन उसे बताता है कि वो डेड बॉडीज भी गायब है, जहाँ ये बात जिया फोन पर डिटेक्टिव को बताती है। फिर उन दोनों को वो बैम्बूस वाले झंडे दिखाई देते हैं जो उस लेडी ने लगाए थे। वो दोनों वहाँ जाकर देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे कौवे मरे पड़े हैं। जिया लियोन से पूछती है कि उसने सुना है कि बैम्बूस स्पिरिट को बुलाने के लिए लगाए जाते हैं, जिस पर लियोन उसे बताता है कि क्योंकि बैम्बूस अंदर से खोखले होते हैं और स्पिरिट्स आराम से उसमें रह सकती है। लियोन उसे बताता है कि इसका डायरेक्शन साउथ वेस्ट है और उस हिसाब से ये रास्ता बुरी आत्माओं के आने जाने के लिए बनाया गया होगा। वहीं दूसरी तरफ तालुइपा को एहसास हो जाता है कि इमोगी जिंदा हो चुका है, लेकिन वो अपने हस्बैंड को ये बात लियोन को बताने से मना करती है। इसके बाद युंगी उन दोनों को बताती है कि पिछली रात करीबन 2:50 पर वो पानी पीने उठी, तब उसे किसी बच्चे के रोने की आवाजें आ रही थी। वो घर की सारी घड़ियां देखती है जिसमें अचानक से इसी वक्त सारी घड़ी बंद हो चुकी थी। वहीं जिया भी अपनी वॉच देखती है जिसमें उसी टाइम पर घड़ी बंद हो गई थी। ये बात जानकर लियोन बताता है कि उसे आवर ऑफ काव कहते हैं, जिसमें 1 से 3 के बीच दूसरी दुनिया का दरवाजा खुलता है। अब हम यूरी और उसके पेरेंट्स को उसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हुए देखते हैं, जहां उसके पेरेंट्स में उसकी एज को लेकर झगड़ा होने लगता है। और फिर उसके पापा को याद आता है कि यूरी की डेथ तो उस एक्सीडेंट में ही हो गई थी जब वो लोग ट्रैकिंग पर गए थे। वो यूरी से पूछते हैं कि वो कौन है। दूसरी तरफ लियोन जिया को नया सेलफोन खरीद कर देता है क्योंकि लिरेंग ने उसका फोन चोरी कर दिया था। साथ ही लियोन उसे अननोन कॉल्स और खास करके लिरेंग का फोन पिक करने से मना करता है। फिर जिया लियोन का नंबर लेकर वहां से चली जाती है। इधर यूरी गुस्से में उसके डैड का मुंह पकड़ लेती है। तभी लिरेंग वहां पर आता है और उसे रोक देता है। फिर वो उसे पूछता है कि उनकी क्या विश है, जहां उसके डैड बताते हैं कि उन्हें अपनी बेटी चाहिए, जिसके बाद लिरेंग उसे हिप्नोटाइज कर देता है और उन्हें मानने पर मजबूर कर देता है कि यूरी ही उनकी बेटी है। फिर लिरेंग यूरी से पूछता है कि क्या वो शिंजो से मिली थी, तो यूरी बताती है कि वो तो बहुत ही डरपोक है। और फिर उसे वो लॉकेट दिखती है। लिरेंग कहता है कि वो इस लॉकेट को संभाल कर रखे क्योंकि ये उनके बहुत काम आने वाला है, और साथ ही यूरी को शिंजो के साथ अच्छे से बिहेव करने के लिए भी कहता है। वहीं लिरेंग लियोन से मिलने जाता है, जहां लियोन उसे पूछता है कि कहीं उसी नहीं आइलैंड के लोगों को गायब तो नहीं किया, पर लिरेंग कहता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है और साथ ही उसे इनडायरेक्टली बताने की कोशिश करता है कि इमोगी जिंदा हो चुका है। उसके बाद हम जिया को देखते हैं जो कि डिटेक्टिव के साथ वैसे ही केस को डिस्कस कर रही थी जहां 1592 में नॉर्थ कैरोलिना में ऐसे ही सडनली लोग गायब हो गए थे। अब लिरेंग और लियोन एक टेरेस पर खड़े थे जहां लिरेंग एक खंजर निकालकर उसे कहता है कि अगर वो उसे ये सब करने से रोकना चाहता है तो अभी ही उसे मार दे, जैसे उसने पहले उसकी जान ली थी। और फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिसमें लिरेंग बहुत सारे लोगों को बेरहमी से मार रहा था। तभी पीछे से लियोन उसे आकर आवाज देता है। लियोन को देखकर लिरेंग काफी खुश हो जाता है क्योंकि उसने लियोन को बहुत समय के बाद देखा था। लिरेंग दौड़कर उसे गले लगा देता है और कहता है कि उसने उसे बहुत मिस किया। लियोन उसके सर पर हाथ फेरता है और फिर लिरेंग उसे बताता है कि उसके जाने के बाद वहाँ के लोगों ने माउंटेन पर आग लगा दी थी और वो इतनी गर्म और डरावनी थी कि वो नहीं रुक पाया और लोगों को मारने लगा, जिस पर लियोन कहता है कि वो निर्दोष लोगों को भी मार रहा था जो कि गलत है। लिरेंग हंसता है और कहता है कि उसने पूरे गांव को ही खत्म कर दिया। ये जानकर लियोन बहुत दुखी होता है और ना चाहते हुए तलवार से उसे लिरेंग को मारना पड़ता है। सीन प्रेजेंट में आता है जहां लिरेंग कहता है कि लियोन सबसे बड़ा जर्क है
पहले तो उसने लड़की के लिए अपने भाई को छोड़ा और फिर पॉइंट्स बढ़ाने के लिए उसे धोखा दिया। साथ ही वो बताता है कि वो उस दिन बच गया क्योंकि लियोन ने वाइटल पॉइंट मिस कर दिया था। लिरेम फिर से लियोन को जबरदस्ती कहता है कि वो उसे मार दे, उसके बाद ही उसकी लेडी जिंदा रह पाएगी। जिसके बाद लियोन जोर से खंजर निकालकर उसके पेट में डाल देता है, पर क्योंकि लियोन उसे नहीं मारना चाहता था इसलिए उसने खंजर उल्टा डाला था। लियोन उसे कहता है कि छोटे बच्चे की तरह बिहेव मत करो और वहां से जाने लगता है। तभी लिरेम पीछे से उस पर वार कर देता है और कहता है कि वो उसे अभी नहीं मारेगा क्योंकि वो उसका चेहरा देखना चाहता है जब उसकी लेडी उसकी आंखों के सामने मरेगी। जिस पर लियोन उसे कहता है कि उसे इतना कमजोर बिहेव नहीं करना चाहिए क्योंकि उसे पता है कि लिरेम ऐसा नहीं है। इतना कहकर लियोन चला जाता है। अब लियोन तालुइपा के पास जाता है जहां वो उसे ह्यूमन लेडी को मारने के लिए डांटती है और तालुइपा इसके लिए उसे सजा भी देने वाली थी। जिस पर लियोन कहता है कि वो सजा भुगतने के लिए तैयार है। इतने में उसे जिया का फोन आता है और वो उसे डिनर पर इनवाइट करती है। लियोन वहां से जाने लगता है और कहता है कि वो जल्द ही आ जाएगा और अपना पनिशमेंट भुगतेगा। उसके बाद लियोन जिया के घर जाता है और क्योंकि फॉक्सेस किसी का उधार नहीं रखते इसीलिए वो जिया के लिए मुगवॉट का पौधा लेकर आता है। फिर जिया कहती है कि उसने आज ये डिनर इसीलिए रखा क्योंकि लियोन ने उसकी दो बार जान बचाई है। और फिर वो लियोन का सर सहलाने लगती है। लियोन कहता है कि वो ये क्या कर रही है। इस पर जिया कहती है कि ऐसा करने से जानवरों को अच्छा लगता है इसीलिए। और वहीं लियोन को एयुम की याद आने लगती है। अब वो दोनों खाना खाते हैं और उसके बाद जिया के पेरेंट्स की बातें करने लगते हैं, जहां जिया अपने आंसू रोकने के लिए अपने दोनों हाथों से कान बंद कर देती है। उसे देखकर फिर से लियोन को एयुम की याद आने लगती है। नेक्स्ट सीन में लिरेम उस आदमी से मिलने जाता है जिसे आइलैंड पर उसने वो इमोगी दिया था, और जब लियोन ने लिरेम की जान ले ली थी तब उसी आदमी ने लिरेम की जान बचाई होती है। उसके बाद जिया लियोन को बताती है कि वो फ्यूनरल होम में जाने वाली है, जहां पर लियोन उसे वहां जाने के लिए मना करता है क्योंकि उसका मानना था कि बुरी आत्माएं उसके पीछे पड़ सकती है। और फिर लियोन उससे ये भी बताता है कि कुछ दिन वो टाउन में नहीं है। जिया कहती है कि क्या वो ट्रिप पर जा रहा है, जहां लियोन कहता है कि वो यही समझ ले। लियोन फिर से उसे फ्यूनरल होम में जाने के लिए मना करता है लेकिन जिया नहीं मानती, जिसके बाद लियोन उसे एक बीन्स की पोटली देता है और कहता है कि उसे इसे हर जगह अपने साथ रखना है। और फिर जिया उसे थैंक्स बोलकर वहां से चली जाती है। फ्यूनरल होम आने के बाद जिया अपने कलीग से मिलती है और वो अपनी मॉम को याद करके बहुत रोती है, जहां जिया उसे दिलासा देती है। इधर लियोन अपना पनिशमेंट भुगतने के लिए तालुइपा के पास जाता है, जहां तालुइपा जज का फैसला बताते हुए कहती है कि ह्यूमन की जान लेने के बदले उसे नर्क के पहले स्टेज पे जाना होगा और क्योंकि उसने बहुत से ह्यूमन की जान बचाई होती है इसीलिए उसे वहां कम पनिशमेंट भुगतना होगा और साथ ही उसे एज अ ह्यूमन वहां रहना होगा क्योंकि उसके पास कोई भी पावर्स नहीं होंगी। अब नर्क का दरवाजा खुलता है, जहां लियोन देखता है कि वो जगह बहुत ठंडी और खतरनाक है। इधर शिंजो फोन में यूरी को स्टॉक कर रहा होता है और तभी यूरी उसके घर आ जाती है, जिसे देखकर वो डर जाता है। वहीं यूरी अपना जैकेट उतार देती है। इधर फ्यूनरल होम में जिया की नजर लिरेम पर पड़ती है, जो पहले से ही वहां कर बैठा था और हमेशा की तरह वो दोनों सरकास्टिक वे में बात कर रहे थे। जिया उसे पूछती है कि वो अपने भाई से इतनी नफरत क्यों करता है, तो लिरेम कहता है कि वो बोर हो रहा था। इस पर जिया कहती है कि वो झूठ बोल रहा है, वो शर्त लगाकर कह सकती है वो सच में लियोन को पसंद करता है और इसीलिए अब वो ऐसा हो गया है। वहीं शिंजो यूरी की बॉडी पर बहुत सी खरोच देखता है और उसे कहता है कि उसे स्मगलिंग करके वहां लाया गया है। और क्योंकि शिंजो एक वेटरन था तो खरोच देखकर वो पता लगा देता है कि यूरी को जू में बंद करके बहुत अब्यूज किया गया था। शिंजो के फेस पर अपने लिए इतनी केयर देखकर यूरी इरिटेट होने लगती है और गुस्से में वहां से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ लिरेम जिया को एक पुरानी बात बताता है, जिसमें माउंटेन गॉड ने माउंटेन छोड़ दिया होता है, जिसके बाद वहां के लोगों ने फॉक्सेस को मारने के लिए वहां आग लगा दी थी और उसमें लिरेम का इकलौता पप्पी भी मारा गया था जिसे वो बहुत प्यार करता था। ये बात सुनकर जिया समझ जाती है कि लिरेम लियोन की पास्ट लाइफ के बारे में बात कर रहा है और फिर वो उसे पूछती है कि क्या ये सब लियोन के पहले प्यार की वजह से हुआ था। इस पर लिरेम कहता है कि लियोन को लगता है कि जिया एयुम का पुनर्जन्म है और इसीलिए उसे बचाने के लिए उसने उस जंगल वाली लेडी को मार दिया था, जिसका पनिशमेंट वो इस वक्त भुगत रहा है। और जिया समझ जाती है कि लिरेम किसी ट्रिप पर नहीं बल्कि पनिशमेंट भुगतने के लिए गया है।
वहीं हम देखते हैं कि लियोन स्नो माउंटेन पर अपना पनिशमेंट भुगत रहा था। जिया लीरिंग से पूछती है कि लियोन कहाँ है, जिस पर वो कहता है कि उसे ये जानने की जरूरत नहीं है। और जाते जाते लीरिंग मैजिक से जिया की वो पोटली काट देता है, जिसकी वजह से सारे बीन्स गिर जाते हैं। वहीं सिक्योरिटी को सीसीटीवी में जिया के आसपास बहुत सारे बच्चे दिखाई देते हैं, लेकिन असल में वहाँ कोई नहीं था। जिया वहाँ से जाने लगती है और दो बच्चियाँ भी उसके पीछे चली जाती है। अब जिया कॉरिडोर से जा रही होती है, तभी सारी लाइट्स ऑफ हो जाती है और दोनों बच्चियाँ उसके सामने आ जाती है। वो दोनों जिया से कहती है कि वो अपने डैड को ढूंढ रही है, लेकिन असल में वो दोनों स्पिरिट्स थी और ये बात जिया को नहीं पता था। अब जिया घर जा रही होती है, तभी वो देखती है कि वो पोटली फट चुकी है, और इतने में वो बच्चियाँ वहाँ आकर जिया का मफलर पकड़कर गोल घूमने लगती है, जिसकी वजह से जिया का दम घुटने लगता है और वो बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। इधर नर्क में लियोन को एहसास हो जाता है कि जिया ने वो पोटली खो दी है और अब वो मुसीबत में है। लियोन जोर जोर से चिल्लाकर तालुइपा को बुलाता है और वो कहता है कि वो अंडरवर्ल्ड ऑफ नाइफ में सजा काटेगा, क्योंकि कोई भी उस सजा को नहीं काट पाया है, और अगर कोई उसे काट ले तो उसकी सजा कम हो जाती है। तालुइपा उसे अलर्ट करती है क्योंकि उसमें उसकी जान भी जा सकती थी, लेकिन लियोन नहीं मानता और सजा के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद हम जिया को देखते हैं, जिसे होश आ चुका था और वो अपने घर में थी, जहां उसका फ्रेंड उसकी केयर कर रहा होता है। उसका फ्रेंड कहता है कि वो बेहोश हो गई थी, जिसके बाद वो उसे घर ले आया। वो उसे पूछता है कि उसके साथ क्या हुआ था, जिस पर जिया बताती है कि दो स्पिरिट उसके पीछे पड़ गई थी। फिर उसका फ्रेंड एक बुक निकालकर पढ़ने लगता है। जिया देखती है कि उसने बुक उल्टी पकड़ी है, और इतने में लाइट्स भी ऑफ होने लगती है और उसका फ्रेंड गायब हो जाता है, और वो दोनों बच्चियां सोफे के नीचे से जिया को देखती है, जिससे जिया डर जाती है। वहीं दूसरी तरफ लियोन अंडरवर्ल्ड ऑफ नाइफ पर आ चुका था, जहां उसे एक पुल पार करना था, और वहां पर उस पर चाकू से वार हो रहे थे, लेकिन लियोन उनका सामना करते हुए पुल पार करने लगता है। और दूसरी तरफ वो बच्चियां जिया का पैर पकड़ कर कहती है कि उन्हें उसकी बॉडी चाहिए। जिया डर कर दौड़ती हुई बाहर आ जाती है, लेकिन फिर भी वो लड़कियां उसका पीछा नहीं छोड़ती। वही लियोन इतना घायल हो चुका था कि वो जख्मी होकर बेहोश हो जाता है और गिर जाता है। इधर जिया भागते हुए एक बिल्डिंग पर पहुंचती है, जहां पर और भी बच्चों की स्पिरिट्स आ जाती है। वहीं बेहोशी की हालत में लियोन के दिमाग में जिया और एयुम की यादें घूम रही थी, और वो फिर से उठता है और घसीटते हुए फाइनली वो पुल पार कर ही देता है। दूसरी तरफ जिया डरकर बिल्डिंग के नीचे गिरने लगती है, तभी लियोन वहां आकर उसे बचा लेता है। लियोन को उस हालत में देखकर जिया रोने लगती है, और उसके एक आंसू की बूंद से उनके चारों ओर एक रोशनी बन जाती है, जैसे पहले एयुम को वो फॉक्स बेड देते हुए बनी थी। तभी लियोन को होश आता है और वो जिया को कहता है कि उसने उसे ढूंढ ही लिया। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइज़, अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।